दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। और सुबह के 7:30 बजे हैं और आज ये मेरा पर्सनल ब्लॉग होने वाला है। तो आज हम लोग मेरे गांव जाने वाले हैं। तो बहुत टाइम से मम्मी यहीं पे थी इंदौर में, तो आज हम उनको छोड़ने जा रहे हैं घर पे। तो आज ये पूरा ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर से निकलने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के आता हूँ, देन हम लोग निकलने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:00, ये घड़ी थोड़े से आगे चल रही भाई साहब। तो हम लोग निकलने वाले हो उनके चाहिए। यस, रेडी हो चुका हूँ मैं। तो पूरी ठंड निकल गई, लेकिन ये स्वेटर में पहली बार पहना हूँ आज। सारी खुशी एक तरफ और घर जाने की खुशी भाई साहब एक तरफ। तो चलिए, गाड़ी पे आ चुकी है। सबसे पहले जाएंगे हॉस्पिटल मम्मी को दिखा के, फिर पहुँचते ही घर। चलिए मिलते हैं। आगे गाड़ी आ चुकी है, बस एक दो मिनट में निकलने वाले हैं। चले तो दोस्तों, मम्मी को हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। तो बीच में देवास आता है, तो देवास में हम लोग रुकते हैं, फिर वहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं। चलो नाश्ता कर लेते, चलो। नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने, हम यहाँ से निकलते घर के लिए। दोस्तों, हम लोग गांव पहुंच चुके हैं और ये गांव का रास्ता है। तो गांव पहुंचने के बाद हम लोग यहां पर खाना खाएंगे मम्मी को छोड़ने के बाद, और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग इंदौर निकल जाएंगे वापस से। और ये है हमारा क्यूट सा बछड़ा, जो कि नए साल में हमारे घर पर आया है, एकदम प्यारा सा। घर पे सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि मम्मी इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल और इंदौर से गई है, तो सब लोग बड़े खुश थे। तो मैंने खाना वाना भी खा लिया था और अभी हम लोग वापस इंदौर निकल रहे हैं। तो शाम के बज गए हैं 5:30 या 6 बजने वाले हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं वापस इंदौर के लिए। तो माता जी के वो दर्शन करेंगे अभी। दोस्तों, एक बात तो है कि अगर एक बार आप गांव में आ जाएं तो फिर वापस जाने का आपका मन नहीं होता, क्योंकि इतना प्यारा लगता है। और शाम के टाइम तो बिल्कुल ही कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी क्या करूं, काम है तो जाना पड़ता है। तो अभी दर्शन करते हैं माता रानी के, फिर यहां से प्रस्थान करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, चलो दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो चुका है, इसलिए सारी चीज़ें अव्यवस्थित आपको दिख रही होंगी। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए और बहुत जल्दी यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनने वाला है। तो इसका कार्य जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं माता जी के और हम लोग अभी निकल रहे हैं इंदौर के लिए। तो 8:30-9 बज जाएगी इंदौर में पहुँचते पहुँचते, ताकि यहाँ की शांति मिल सके। दोस्तों, अगर आपको भी
आना है तो आप इंदौर से अगर आना चाहते हैं तो आपको 160-150 किलोमीटर पड़ेगा। आप आइए यहाँ के दर्शन कीजिए। यहाँ पर आने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है अगर आप सच्चे श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं तो। और आप देखेंगे पहाड़ी का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है यहाँ से। और यहाँ पर अभी फरवरी में मेला लगने वाला है जो कि बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। तो अभी हम लोग हैं शास्त्री पर जो कि आगरे बॉम्बे हाईवे पर है, तो हम यहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे। तो 7 बज गई है, तो चलिए कुछ नाश्ता हो जाए, चाय पीते हैं, वॉशरूम भी करना। चलिए तो बीच में हम मक्सी से आगे थोड़ा सा हमने वहाँ पे नाश्ता और चाय पिया क्योंकि 1-2 घंटा हो गया था और अभी भी हमको 1 घंटा इंदौर पहुँचने में लगेगा। तो चाय और कुछ खाने के बाद हम लोग वापस से यहाँ से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग इंदौर पहुँच चुके हैं और ये है इंदौर, देश का सबसे सच्चतम शहर। तो इंदौर में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और टाइम राइट नाउ 9 बज चुके ऑलमोस्ट। दोस्तों हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।